हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और उम्मीद है कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के जरिए हम बात करने वाले हैं कुछ मूवीज़ और सीरीज़ की लेटेस्ट अपडेट और उनकी रिलीज डेट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं वाइकिंग्स और हला की सीजन 2 को देखने के लिए। तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि इसकी सीजन 2 की रिलीज डेट है उसे अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, इसकी सीजन 2 की सभी एपिसोड है वो आप सभी को 12 जनवरी 2023 को देखने को मिलेगी, यानी दिसंबर नहीं बल्कि जनवरी के महीने में। और इसकी जानकारी वाइकिंग्स और हला के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए से दिया गया है। तो बेशक आपको इसकी सीजन 2 है वो जनवरी में ही देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में जो लोग इसकी सीजन 1 को नहीं चेकआउट किए अभी तक, तो जल्दी से जाइए, नेटफ्लिक्स पर आपको इसकी सीजन 1 मिल जाएगी हिंदी में। और इसके अलावा इसकी सीजन 3 भी आ रही है जो आप सभी को 24 में देखने को मिलेगी, यानी 2024 में। और अभी इसकी प्रोडक्शन का वर्क है वो चल रही है। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग टाइम ट्रैवल टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं। तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि नेटफ्लिक्स की अपकमिंग के ड्रामा आ टाइम कॉल्ड यू, जो ऑफिशियल रीमेक है टाइवनीज ड्रामा समडे और वन डे, जिसकी फिल्मिंग थी वो 10 अगस्त को स्टार्ट हो गई थी। और अच्छी अपडेट निकल के ये आ रही है कि इसकी सीजन 1 की जो 12 एपिसोड की फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर के जनवरी के एंड से पहले कम्प्लीट हो जाएगी। और इसके बाद करीब 4 से 5 महीने पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क में टाइम लगेगा, यानी आपको इसकी सीजन 1 की सभी एपिसोड है वो नेटफ्लिक्स पर समर के मौके पे देखने को मिल जाएगी। तो हाईली चांसेस है कि आपको इसकी सीजन 1 है वो हिंदी डब लैंग्वेज में भी देखने को मिले क्योंकि ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज है। तो अगर आप कोरियन टाइम ट्रैवल टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो आप इस सीरीज के लिए वेट कर सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर की डिजिटल प्रीमियर के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो ये जानने से पहले हमें कुछ मार्वल्स की प्रीवियस मूवीज़ के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर, जो थिएटर में रिलीज होने के करीब 64 डेज के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इसने टाइम लिया था 47 डेज। और इसके बाद इंटरनल्स, जो थिएटर में रिलीज होने के करीब 68 डेज के बाद हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। और इसके बाद लास्ट में बात आती है सेंची मूवी की, जो थिएटर में रिलीज होने के करीब 70 दिनों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। तो इससे यह साफ साफ अभी पता चलता है कि मार्वल्स की जितनी भी मूवीज़ अभी रिलीज हो रही है वो करीब 45 डेज से लेकर 70 डेज की जो थिएटर विंडो है उसे फॉलो कर रही है। सपोज डेट अगर ये मूवी 45 डेज थिएटर विंडो को फॉलो करती है तो फिर आपको इसकी हिंदी डब वर्जन है और अदल वर्जन है वो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर क्रिसमस के मौके पर देखने को मिलेगी, यानी 25 दिसंबर को। और मैं भी हो सकता है कि 1 जनवरी को भी देखने को मिल जाए। और अगर ये मूवी 70 दिनों के थिएटर विंडो को फॉलो करती है तो फिर आपको इसके लिए जनवरी के मिड तक या फिर एंड तक का वेट करना पड़ेगा। और वैसे बता दो कि इसकी जो ब्लूरे है वो फरवरी के महीने में रिलीज होने वाली है। तो जो भी हो, जैसे ही कोई अपडेट निकल जाएगी इस बारे में तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो हमारा अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर सीरीज ट्रिजन से। और नेटफ्लिक्स ने इसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट है वो कर दी है। और इसकी सीजन 1 की जो टोटल 5 एपिसोड है वो 26 जनवरी को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर। और फिलहाल इसकी अभी डबिंग कंफर्मेशन निकल के नहीं आ पाई है, यानी हिंदी में आपको देखने को मिलेगी या नहीं, लेकिन हाईली चांसेस है कि आपको इसकी हिंदी डब वर्जन देखने को मिल जाए। तो जैसे ही मेरे पास इसकी हिंदी डब के रिलेटेड कोई अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।